अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। सबसे पहले हेडलाइन। रमज़ान की आमद आमद, पुरजोश इबादतों के साथ आवाम की पकौड़े समोसे खाने की ख्वाहिश भी पूरी होती नज़र आने लगी। तमगा इम्तियाज़ हासिल करने वाली अदाकारा महवेश हयात का कहना है कि पकौड़ों को नरम करने के लिए इनमें पालक और धनिया डाला जाए। सख्त पकौड़े खाने से आवाम के पेट में दर्द होता है। पीपल पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने जले हुए पकौड़े बनाने और खाने पर पाबंदी आयद कर दी। रमज़ान में पकोड़े देखकर मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन पानी को देखकर मुंह में पकोड़े नहीं आते। इसी साइंसी करिश्मे का पता लगाने के लिए साइंसदानों की एक पूरी टीम बना दी गई। कौम से पुरजोश दुआओं की अपील। पाकिस्तानी कौम का ये कहना है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए कि बंदा पानी को देखे तो मुँह में पकौड़े आ जाएँ। सेल्फी की आदत से सर में जुएँ पड़ सकती हैं। सेफ्टी ऑफिसर हारून रशीद ने एक और इंकशाफ दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। दुनिया भर में सेल्फी की आदत आम होती जा रही है और अक्सर अवकात लोग छोटे ग्रुप्स बनाकर किसी भी अच्छे मौके को महफूज करने का मौका हाथ से जाने नहीं देते। मगर अब सेल्फी के शौकीन अफराद को होशियार करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के मशहूर सेफ्टी ऑफिसर हारून रशीद ने सेल्फियों के शौकीन अफराद को खबरदार कर दिया है। उनका कहना है कि इस शौक के दौरान सर में जुएँ पड़ सकती हैं। हारून रशीद का कहना है कि जब लोग सेल्फियां बनाने के लिए सर जोड़ते हैं तो जुएं एक से दूसरे सर में मुंतकिल हो जाती हैं। हरीपुर की मशहूर सौगात लोकार्ट मार्केट में आ गई। ये फल सिर्फ हरीपुर और इसके गिरदनवाह के इलाकों में ही पाया जाता है। ये फल जितना देखने में खूबसूरत है इतना ही खाने में खुश जायका है। हरीपुर की लोकार्ट पाकिस्तान के कोने कोने में भेजी जाती है। हरीपुर की लोकार्ट ईरान, चाइना, दुबई और सऊदी अरब को भी एक्सपोर्ट की जाती है। जी नाज़रीन, आपको हैरान कुन बात बताते चलें कि 90% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि लोकार्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जिन पाकिस्तानियों को पता है कि लोकार्ट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो हमें कमेंट ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।